सड़क दुर्घटनाओं के बहुत ऐसे कारण हैं जिससे इस तरह के हादसे होते रहते हैं। आप जब भी किसी भी सड़क पर चलें तो सर्वप्रथम आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो सड़क हादसा कहीं भी हो सकता है। इसके लिए विशेष ध्यान देने की बात यह है कि हमारे साहेबगंज जिला ही नहीं पूरा झारखंड घुमावदार सड़कों की भरमार है, और आप तेज गति में होंगे तो सड़क दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए आप आराम से सड़कों पर चलें, तेज गति में ना चलें, नशापान कर ना चलें, और जब भी आप मोटरसाइकिल पर घर से निकले तो आप हेलमेट अवश्य पहनें। घर से निकलते वक्त आप तो मोबाइल नहीं भूलते हैं, जूता नहीं भूलते हैं, सारा चीज साजो सामान चश्मा लेकर के आप सड़क घर से आप निकलते हैं, लेकिन आप हेलमेट नहीं पहनते। कल की भी इसी प्रकार की दुर्घटना हुई, हेलमेट तो था लेकिन मोटरसाइकिल में टंगा हुआ था और चालक नशापान में किए हुए था, जिसके कारण यह घटना घटी है। इसलिए मैं सभी वाहन चालकों से निवेदन करता हूं कि जब भी आप सड़क पर चलें तो सावधानी बरतें, नशापान ना करें, हेलमेट पहने, चार चक्का में बैठे हैं तो आप सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। कि कहावत है, लापरवाही हटी दुर्घटना घटी। जब भी लापरवाह आप होंगे तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं होगी। इसलिए हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित घर पहुँचें। दुर्घटना के बाद परिवारजनों को क्या बीतती है ये तो परिवार वाले ही समझते हैं, इसलिए इस प्रकार की घटना न हो इसके लिए आप हमेशा सदैव सतर्क रहें। सड़क हादसे नहीं होगी, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रचार प्रसार का यह एक माध्यम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जुहार, जय झार।